चलो सुन आप इसको रिपोर्ट नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में जिस तरह का मौसम विभाग का अलर्ट है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होगी, तो सोलन में बारिश शुरू हो चुकी है और काफ़ी देर से रिमझिम बारिश सोलन में इस वक्त हो रही है। पिछले कल भी सोलन में मूसलाधार बारिश हुई थी, लेकिन अभी भी मौसम खराब बना हुआ है और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है और सोलन में भी इस सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है करीब 8:30 बजे के बाद, और उसके बाद से जो रिमझिम बारिश शुरू हुई थी तो अभी तक वो क्रम जारी है। हालांकि सुबह के वक्त जब हमने मौसम का बुलेटिन दिखाया था तो उस वक्त सोलन में हल्की हल्की धूप भी खिली थी, आसमान पर बादल कुछ ज़्यादा घने नहीं थे और लग रहा था कि शायद आज सोलन का मौसम जिस तरह का कल था कि दोपहर तक मौसम साफ रहा था, उसके बाद बारिश शुरू हुई थी तो उस तरह का मौसम देखने को मिलेगा, लेकिन मौसम में बदलाव हुआ और सोलन में बारिश शुरू होगी। तो आप तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं और ये काफ़ी देर से इस तरह की ही रिमझिम बारिश चली हुई है। NH5 की ये तस्वीरें हैं और NH5 इस वक्त थ्रू है और किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। हालांकि NHAI ने जो पहाड़ी वाली लेन है 4 लेन की, उसे फिलहाल बंद किया हुआ है और वजह है कि भूस्खलन का जो खतरा है, वो अंदेशा है, वो वहाँ पर बना रहता है। भूस्खलन हो भी रहे हैं, बीच बीच में पहाड़ी से पत्थर भी गिर रहे हैं और यही वजह है कि एक लेन से ही दोनों तरफ के वाहनों की आवाजाही जो पहाड़ी वाले एरिया हैं वहाँ पर जारी रखी है। लेकिन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉइंट थोड़ा प्लेन है, इसलिए दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही है। तो NH5 की भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि NH5 में अभी फिलहाल वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चली हुई है और किसी प्रकार की व्यवधान उसमें नहीं पड़ा है। लेकिन बारिश का जो एक क्रम था हिमाचल प्रदेश में, जो सितंबर के महीने में 2 सितंबर से शुरू हुआ है मॉनसून हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से एक्टिव हुआ है, तो आज भी मॉनसून एक्टिव है। और हालांकि पहले मौसम विभाग का मानना था कि 4 सितंबर को मौसम प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में साफ रहेगा, लेकिन जिस तरह से कल मौसम में बदलाव देखने को मिला तो उसके बाद मौसम विभाग की ओर से कुछ अलर्ट जारी किए गए थे मौसम को लेकर 5 जिलों में, विशेषकर चाहे उसमें चंबा है, कांगड़ा है, मंडी है, कुल्लू है और सिरमौर जिला में भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई थी। सोलन जिला में हालांकि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट तो नहीं था, लेकिन बारिश यहां पर अभी हो रही है, रिमझिम बारिश सुबह से चली है और लगातार बारिश की वजह से सोलन के तापमान में भी अब गिरावटें देखने को मिल रही है। 29 डिग्री सेल्सियस सोलन का कल तापमान था और अभी 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का तापमान है। और जिस तरह से मौसम प्रदेश में बना हुआ है तो आने वाले दिनों में भी फिलहाल इसी तरह की स्थिति रहने वाली है, लेकिन अभी मौसम विभाग की ओर से किसी प्रकार की पूर्वानुमान आगे के दिनों के अभी जारी नहीं किया गया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मॉनसून अब सितंबर के महीने में एक बार फिर से एक्टिव हुआ है। हालांकि 1 जून से लेकर और 3 सितंबर तक की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 23% कम बारिश हुई है। सोलन जिला उन जिलों में शुमार है जहां पर इस बार मॉनसून सीजन में काफ़ी कम बारिश हुई है, चाहे जून का महीना हो, जुलाई के महीने में जहां सोलन में सामान्य से करीब 44% कम बारिश हुई थी, वहीं अगस्त के महीने में सामान्य से 4% कम बारिश हुई थी, लेकिन सितंबर के महीने में सामान्य से बहुत अधिक बारिश पिछले 2-3 दिनों में सोलन में हो रही है। लगातार बारिश का दौर चला हुआ है, परसों की बात करें तो सुबह के वक्त बारिश हुई थी और कल की बात करें तो दोपहर के वक्त झमाझम बारिश हुई थी, उसकी वजह से भूस्खलन भी 1-2 जगह पर हुए थे, उसमें कंडा घाट भी शामिल है जहां पर भूस्खलन में कीचपेट में एक व्यक्ति आ गया था। हालांकि बाद में करीब 1/2 घंटा चले रेस्क्यू में उसे सुरक्षित बचा लिया गया था। और इसके अलावा NH5 पे भी कई जगहों पर भूस्खलन के मामले सामने आए, उसके वजह से थोड़ी देर के लिए वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई थी, लेकिन अभी NH5 पर वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चली हुई है। पहाड़ियों से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, तो इसे ही देखते हुए जो पहाड़ी वाली लेन है, चाहे वो
परमाणु से लेकर धर्मपुर के बीच का हो या फिर चंबा घाट से और वाघना घाट के बीच का क्षेत्र हो, तो पहाड़ी वाली लेन को फिलहाल बंद किया गया है जहां पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। तो मौसम आज हिमाचल प्रदेश में, प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना, पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से बादल छाए हुए हैं, रात को बारिश हुई, नरोत्तम राम जी हमें जानकारी दे रहे हैं। सिरमौर के कांकू जी में बिहार में भी भारी बारिश हो रही है। सिरमौर जिला में, हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, दुनिया में अलर्ट है। कमल कपिल जी ये जानकारी दे रहे हैं। लता भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अतर सिंह जी, पूर्णा में धूप है आज। राकेश सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो जानकारी दे रहे हैं। और बॉक्सर अमन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तो मौसम के बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही कि सोलन में हल्की हल्की बारिश करीब 8:30 बजे से जारी है और यह क्रम आप देख सकते हैं कि पिछले 2 घंटे से लगातार इसी तरह की रिमझिम बारिश सोलन में हो रही है। मौसम बरसात वाला है, बारिश की संभावना पूरी पूरी। आसमान आप देख सकते हैं, घने बादल इस वक्त छाए हुए हैं। बारिश सोलन में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही है, जबकि जुलाई और अगस्त के महीने में इस तरह की स्थिति सोलन में थोड़ी कम ही देखने को मिली। यही वजह है कि सोलन जिला में इस बार सामान्य से करीब 33% कम बारिश सोलन जिला में हुई है। और नंगल श्री आनंदपुर साहिब में भी मौसम साफ़ है, कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं। राजवीर सिंह जी की तरफ से यह जानकारी हमें मिली है। तो सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।